आई कैन आई विल आई कैन आई विल मैं आप लोगों को कुछ भी नया नहीं बता सकता ना बताना चाहता जब से जन्म हुआ तब से आज तक सब वही सब चीजें हमारे इर्द गिर्द घूम रही है सर भी वही चीज बता रहे हैं जो हमें पता है कि करना चाहिए कि करते हैं करने से क्या होता है कितना अच्छा होता है तो सुबह कैसे होती है आई गेट अप आई गो टू हेमाली आई वेक हर अप आई गिव हर अ हग और फिर मैं चलने जाता हूँ उसके बाद मैं घर पे आकर के सोचता हूँ कि आज के दिन में तीन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती है वो करनी क्या है आज और उसके बाद कल क्या हुआ परसों क्या हुआ लास्ट ईयर क्या हुआ थोड़ा रिफ्लेक्ट करता हूँ तो ये इसमें कोई नई चीज़ नहीं है पर जब मैं यहाँ ईपैड करने आया तब पता चला कि इसमें ही लाइफ के सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं तो ये कुछ केमिकल्स हैं एंडोर्फिन्स ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन डोपामाइन ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं व्हेन आई गिव माय वाइफ अ हग तो ऑक्सीटोसिन जब मैं किसी के ऊपर भरोसा करता हूँ जब मेरे ऊपर कोई भरोसा करता है तो मेरे को सेरोटोनिन मिलता है जब मैं कोई छोटे छोटे जो मैं टास्क बनाता हूँ मेरे लिए जो आप सक्सेस डायरी के अंदर बनाते हैं तो वहाँ से डोपामाइन मिलता है और जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे एंडोर्फिन्स मिलता है और वो सारी जो चीज़ें थी वो पता नहीं थी जैसे आपको पता है वैसे ही मुझे पता थी पर वो उन चीज़ों को ड्रिल डाउन करके ईपैड में उजागर किया सर ने और उसके बाद थोड़ा बदलाव आ गया और ये बदलाव क्या आया कि मैं कोई भी चीज़ के अंदर पॉसिबिलिटीज़ देखने लगा भी सर ने बोला जीवन में पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना सबसे ज़रूरी काम है तो सर आपके लिए कर रहे हैं आज के दिन कि हर एक चीज़ के अंदर पॉसिबिलिटी पॉजिटिविटी हम देख सकते हैं ये सारे केमिकल्स मेरे अंदर आ गए तो उससे क्या बदलाव आया तो आई कुड थिंक बेटर और आई एम प्लानिंग बेटर आई एम डिसाइडिंग बेटर ये सारी चीज़ों को होने से क्या हुआ कि जहाँ हमारी कंपनी कहीं 25-30 करोड़ के आसपास घूम रही थी अब नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ 500 करोड़ उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेटअप हो गया सबसे पहली चीज़ जब मैंने इम्पोस्ट करना शुरू किया तो मुझे पूरी उन्नति टीम ने आकर के बताया कि सोचता कौन है इस कंपनी के अंदर मैं तो आप सिर्फ सोचने का काम करो काम कौन करता है हमारे सीईओ हैं तो फिर सर आप सिर्फ एग्जीक्यूशन करो तो लाइफ को जैसे हम कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं कंपनी को भी कंपार्टमेंटलाइज कर दिया कोई एक दूसरे के आस पास इर्द गिर्द भी नहीं घूम रहा है कोई मिलता नहीं एक दूसरे को मुझे किसी को हमारी कंपनी के अंदर जाकर के मिलना होता है तो उनकी भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है क्योंकि उन लोगों ने भी इवेंट कर दिया कोई मिलता ही नहीं है तो कोई भी चीज जब आती है मेरे सामने तो मैं उसके अंदर संभावनाओं को ढूंढता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये चीज होने से क्या होगा मैं करूँगा तो क्या होगा अगर कोई भी नेगेटिव सोच आ गई तो मेरा क्या होगा तो पॉजिटिविटी जब मेरे अंदर आने लगी प्लानिंग आने लगा सारे फील गुड केमिकल्स आने लगे तो दुनिया के अंदर बहुत सारी संभावनाओं को देखना शुरू कर दिया हम लोगों ने और पूरे आज के जो 4 घंटे आप यहाँ बिताएंगे उसमें से कोई भी ऐसे ही करके एक सेंटेंस पकड़ लो वो पकड़ करके आप अपनी जिंदगी में चलना शुरू कर दोगे तो बस आगे बढ़ते जाओगे और मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा ही हो रहा है सो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू I will, I can